34वें राष्ट्र खेल घोटाले के अभियुक्त आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर एसीबी के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में एसीबी को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी आरके आनंद की ओर से अदालत को बताया गया इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, उन्होंने ही टेंडर में हो रही गड़बड़ी शिकायत की थी, लेकिन उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। उनका नाम प्राथमिकी में बाद में जोड़ा गया, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने एसीबी के इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। बता दें 31 जुलाई से पहले ही एसीबी को जवाब दाखिल करनी है। आरके आनंद ने याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से आरके आनंद की याचिका खारिज हो चुकी है। आज हियरिंग हुई, उसमें मेरे द्वारा रिजाइंडर की बात कही गई है, कुछ पॉइंट डिफेंस के द्वारा उठाया गया है, उसको मैं रिजाइंडर के माध्यम से अगली निर्धारित तिथि यानी 31 जुलाई को मेरे द्वारा दी जाएगी। 31 जुलाई को ही दी। क्या है मामला सर आरके आनंद से जुड़ा? ये प्राथमिकी अभियुक्त आरके आनंद घोटाले के समय कार्यकारिणी अध्यक्ष थे, जो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद धारण किए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान इनके द्वारा कई बार NGOC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण निविदा के संबंध में इनके द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मनमाना रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाए थे। उसी से संबंधित मामला है।